कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के साथ कई नवनिर्वाचित विधायक भी खड़गे से मिले। सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया सबसे आगे। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के आवास के बाहर लगा पोस्टर। सिद्धारमैया को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बताया गया। बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के समर्थकों ने भी उनके आवास के बाहर लगाया पोस्टर। पोस्टर में शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग। पोस्टरबाजी पर बोले कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामालिंगा रेड्डी। शाम 6 बजे कांग्रेस विधायक दल में चुना जाएगा नेता। कर्नाटक के गडक से विधायक एच के पाटिल बोले सीएम को लेकर हाईकमान लेगा फैसला। खड़गे के आवास पर पहुंचे थे कांग्रेस विधायक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने सोनिया और राहुल गांधी से फोन पर की बात। आज शाम 4 बजे दिल्ली आकर सोनिया और राहुल से कर सकते हैं मुलाकात। कर्नाटक जीत पर कांग्रेस ने ट्वीट किया पोस्टर। बारिश में माइक के सामने खड़े राहुल। पोस्टर में लिखा विजय पथ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले संजय राउत कर्नाटक तो झांकी है अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। कर्नाटक ने दिखाया है कि जनता तानाशाही को कर सकती है पराजित। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर मुंबई के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ। भाई जगताप संजय निरुपम समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। कर्नाटक की जयनगर सीट पर जमकर हुआ बवाल। पहले कांग्रेस उम्मीदवार को विजयी किया घोषित। रिकाउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी 16 वोट से जीता। बीजेपी की मांग पर हुई रिकाउंटिंग। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार की अगुवाई में किया विरोध प्रदर्शन। लगाया सांठगांठ का आरोप। दिल्ली में केजरीवाल भगवंत मान से मिले। जालंधर से नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू। दोनों ने नए सांसद को दी जीत की बधाई। राजस्थान में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का 4th दिन। महिला इलाके से आज शुरू करेंगे यात्रा। सचिन पायलट ने अपनी यात्रा को बताया जनता के मुद्दों की यात्रा। कहा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। पायलट की यात्रा के बीच वसुंधरा राजे की सरकार बचाने में मदद वाले बयान पर सीएम अशोक गहलोत का यूटर्न। कहा लोगों ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सीएम गहलोत ने नागौर में दी सफाई। कहा लोगों ने मेरे बयान को ऐसे बताया जैसे मैं और वसुंधरा मिले हुए हैं जबकि सच ये है कि पिछले 15 साल में हम 15 बार भी नहीं मिले। मायावती के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा चुनाव जीतने को ठीक बताना हारने पर व्यवस्था को खराब बताना विपक्षी दलों का फैशन। यूपी निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने किया था ट्वीट। सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा वक्त आने पर बीजेपी को मिलेगा जवाब। असम के सीएम हिमंता ने किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा। नागांव में बूढ़ा चापोरी सेंचुरी का लिया जायजा। महाराष्ट्र के अकोला में दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद सांप्रदायिक तनाव। एक की मौत। पुलिस ने 25 लोगों को किया गिरफ्तार। अकोला हिंसा में कई बाइकों को किया गया आग के हवाले। जमकर की गई पत्थरबाजी। पुलिस ने सख्ती से हालात काबू में किए। अकोला में पुलिस ने लगाई धारा 144 120 लोगों के खिलाफ FIR की दर्ज। पुलिस ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। का अफवाह पर ध्यान ना दें जल्द सिचुएशन नॉर्मल होने का किया दावा। सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के खिलाफ पोस्ट पर ओल्ड अकोला में 2 गुटों के बीच हुआ विवाद। मामला बढ़ने पर दोनों गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव। विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया से विवादित पोस्ट को हटाया गया। पुलिस ने शहर में तेज की गश्त। आज बांग्लादेश और म्यांमार के बीच से गुजर सकता है चक्रवाती तूफान मोचा। सुबह पूर्वोत्तर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी पर था तूफान। मौसम विभाग ने दी जानकारी। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बाद टूरिस्ट को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा। अगले 3 दिनों तक बीच पर न आने की दी चेतावनी। बखाली बीच पर सिविल डिफेंस की टीमें तैनात। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है बस घोषणा होना बाकी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान कहा जब भी कोई हिंदुओं पर करता है प्रहार तो सबको एक हो जाना चाहिए और मिलकर प्रहार करना चाहिए। पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कर रही हैं हनुमत कथा। आज हनुमत कथा का दूसरा दिन। चेन्नई के राजभवन में इंटरनेशनल मदर्स डे पर समारोह। राज्यपाल RN रवि हुए शामिल। आज आएंगे ICSE बोर्ड के नतीजे। दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। दिल्ली में छेनू गिरोह का शार्पशूटर मोहित गिरफ्तार। सिविल लाइंस इलाके में हत्या और डकैती का है मुख्य आरोपी। कुल 18 क्रिमिनल केस हैं दर्ज। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड के पास एक शराब की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के रोहिणी में नाले में मिला 19 साल की लड़की का शव। 12वीं के रिजल्ट के बाद घर से मिसिंग थी लड़की। घर में छोड़े नोट में आत्महत्या करने का किया था जिक्र। DRI मुंबई ने नहवा शिवा पोर्ट में से बरामद की 24 करोड़ की सिगरेट। कंटेनर ने मिली 1 करोड़ से ज्यादा सिगरेट। इंपोर्टर समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के लुटियन जोन इलाके में सड़क हादसे का CCTV आया सामने। कार से बाइक सवार 2 लड़के टकराए। 29-30 अप्रैल की रात का है मामला। टक्कर के बाद एक युवक मौके पर गिरा दूसरा कार की छत पर फंसा। बावजूद इसके कार वाले ने नहीं रोकी गाड़ी। हादसे में गाड़ी की छत पर फंसे युवक की मौत। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार।
इंटरनेशनल मदर्स डे पर राजकोट पुलिस की खास पहल, साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का किया आयोजन। भारत में कोरोना के 1272 नए केस आए सामने, 2252 लोग हुए ठीक, अब एक्टिव केस की संख्या 15,515। अदालत से पहले इससे राहत मिलने के बाद इमरान खान का वीडियो संदेश, कहा कार्यकर्ताओं से किसी भी हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील। हिंसक आंदोलन के आरोपों पर बोले इमरान, जब मुझ पर गोली चली तब अराजकता क्यों नहीं फैली, कहा मैं जेल में था, बाहर क्या हो रहा मुझे क्या पता। इमरान खान ने पीटीआई के कार्यकर्ताओं के हिंसा फैलाने के आरोपों से किया इनकार, कहा पीटीआई इकलौती पार्टी है जिसकी रैलियों में बच्चे और महिलाएं भी आती हैं। इमरान खान ने लोगों से आज शाम 5:30 से 6:30 बजे घर से बाहर निकलने की अपील की, कहा सभी लोग अपनी गलियों और गांव के बाहर इकट्ठा हों। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के जुडिशियरी सिस्टम पर आरोप, कहा जुडिशियरी जरूरत से ज्यादा सियासी हो गई है। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई, भूकंप की गहराई जमीन से 60 किलोमीटर नीचे। अमेरिका कनाडा के 200 से अधिक सिनेमाघरों में द केरल स्टोरी रिलीज, निर्देशक सुदीप्तो सेन का बयान, फिल्म का एक मिशन है जो सिनेमा की रचनात्मक सीमाओं से है परे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।